हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? मुझे बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं अपना मेकअप कलेक्शन आप लोगों के साथ शेयर करूं। सॉरी यार, थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मैं अपना थोड़ा सा सेटिंग वगैरह कर रही थी मेकअप की। एंड मैं आप लोगों के साथ मेकअप शेयर करूंगी कैटेगरी वाइज, ठीक है? हर एक कैटेगरी में क्या अच्छा लगा मुझे, क्या नहीं अच्छा लगा, वो भी मैं आपको रिकमेंड करूंगी। एंड सारे प्रोडक्ट्स के परचेज लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट की है स्वाति भामरा मेकअप कलेक्शन। कोई भी अगर आपकी वीडियो छूट जाते ये वाली सीरीज में से, तो आप प्लेलिस्ट जाके चेकआउट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। मेरे मेकअप कलेक्शन की ये सिक्स्थ वीडियो है, बाकी के अगर आप लोगों ने फाइव वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज आप जाके जरूर चेकआउट कर लो। आज बारी आती है कंसीलर्स की, रैंडम ऑर्डर में दिखा रही हूँ, मतलब जो मेरे हाथ में पहले लग रहा है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले ये है एनवाई बे के रनवे फाउंडेशन कंसीलर कॉन्टोर कलर करेक्टरिस्टिक। ब्रांड ने टोटल 14 शेड्स लॉन्च किए हैं। इसको मैंने अपने फाउंडेशन वाली वीडियो में भी दिखाया। क्यों? क्योंकि ये फाउंडेशन का भी काम करेगा, आपके कंसीलर का भी काम करेगा। इसके अंदर एलमंड ऑयल डाला है, इन्फ्यूज्ड है, तो अगर आपकी बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है या फिर नॉर्मल टू ड्राई स्किन है तो आप इसको यूज कर सकते हो। ऑयली स्किन वालों को मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगी, ये एक्चुअली डस्की स्किन वालों के लिए आप यूज कर सकते हो ये वाला शेड, अदरवाइज ये आपका कॉन्टोर का शेड बन जाएगा, ठीक है? अगर आप क्रीम कॉन्टोर्स वगैरह यूज करते हो तो। अदरवाइज मैं आपको ये वाला शेड दिखाने वाली थी, ये मेरी स्किन टोन के लिए है कंसीलर, बहुत ही अच्छा वाला कंसीलर है। बड़ी बटर की तरह ये ब्लेंड कर जाता है क्योंकि इसके अंदर एलमंड ऑयल डाला है और एकदम नेचुरल सा एक ग्लो सा प्रोवाइड करता है, आप देख सकते हो। आई होप यू कैन सी। तो ऑयली स्किन वालों को थोड़ा सा प्रॉब्लम देगा, बाकी विंटर्स के लिए तो बड़ा बेस्ट वाला प्रोडक्ट है। ऑयली स्किन वाले भी विंटर्स में यूज कर सकते हैं। तो ये गाइस 14 शेड्स ये हो गए, इनको करते हैं। फिर मेरे पास से स्टे क्वर्की के ये फाउंडेशन स्टिक्स, जो कंसीलर का भी आपका शेड मिलेगा, आपको कलर करेक्टर का भी मिलेगा, कॉन्टोर शेड भी मिलेगा। इसमें ग्रीन एंड ऑरेंज करेक्टर भी था, ठीक है? और ये बहुत अच्छी वाली स्टिक्स थी, इसमें 10 शेड्स ब्रांड ने लॉन्च किए थे। डिटेल में वीडियो मैंने इसकी की हुई है, तो इसकी भी मुझे काफी अच्छी लगती है। कवरेज वाइज भी ये अच्छा है और ये भी बहुत ब्यूटीफुली ना, मतलब ब्लेंड भी हो जाता है। ये ऑयली स्किन वाले भी यूज कर सकते हैं क्योंकि ये इतना ज्यादा क्रीमी टेक्सचर नहीं है एज कम्पेयर टू दिस। तो ऑयली स्किन वाले ये स्टे क्वर्की वाले स्टिक को बहुत आराम से यूज कर सकते हैं। फाउंडेशन वाली वीडियो में भी दिखाया था क्योंकि ये आपका फाउंडेशन का भी काम करेगा, तो ये भी बहुत बेस्ट वाला प्रोडक्ट है। फिर मेरे पास है ये डार्लिंग इसाबेला के न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट्स हैं। इसमें आपको, मुझे याद नहीं कितने शेड्स लॉन्च किए हैं ब्रांड ने, बट ये भी काफी अच्छा वाला प्रोडक्ट है। ये भी आपका एकदम क्रीमी सा कंसीलर है, ये देख सकते हो आप, ठीक है? लेकिन इसकी जो कवरेज है ना, ये थोड़ी सी मीडियम सी कवरेज है, ठीक है? कवरेज अच्छी है बट थोड़ी सी इसकी मीडियम सी कवरेज है। अगर आप इसको फाउंडेशन के ऊपर लेयर अप करोगे फिर तो ये बड़ा बेस्ट वाला प्रोडक्ट है डार्लिंग इसाबेला का, ठीक है? लेकिन अगर आप चाहोगे कि मैं अकेला बस इसी के साथ मेकअप करूं तो इतनी आपको कवरेज नहीं दिखेगी, ठीक है? सिंपल सी बेसिक वाली चीज मैं आपको बता रही हूं। कुछ लोग सिर्फ कंसीलर्स के साथ अपना बेस मेकअप कर लेते हैं तो उसमें आपको इतनी कवरेज नहीं दिखेगी। अदरवाइज द प्रोडक्ट इज गुड अगर आप इसको लेयर अप करोगे फाउंडेशन के ऊपर। इसको करते हैं साइड में। फिर बारी आ जाती है एनवाई बे के, ये बहुत सही वाले प्रोडक्ट हैं, मुझे बहुत पसंद है एनवाई बे के। रिसेंटली मैंने ऑरेंज में जो स्वेटर में मेकअप लुक किया था ना, मैंने एनवाई बे का ही कंसीलर यूज किया था। इसके भी मैंने डिटेल में वीडियो डाली होगी। ये बहुत ही ज्यादा ना सही वाला इनका टेक्सचर रखा है, जैसे क्या बोलते हैं यार, मेबलिन का या फिर वेट एंड वाइल्ड का जैसा कंसीलर है ना, बिल्कुल वैसा वाला इनका कंसीलर है। अगर आप इसके साथ अकेला भी अगर आप इसके साथ मेकअप करना चाहोगे ना बिना फाउंडेशन लगाए तो भी ये बड़ी अच्छी वाली कवरेज देता है। ये देख लो डार्लिंग इसाबेला की कवरेज और ये देखो एनवाई बे की कवरेज। इसको आप अकेले भी लगा लोगे, उसके ऊपर मेकअप कर लोगे तो आपका काम चल जाएगा। फाउंडेशन के साथ तो फिर तो एकदम ही फ्लॉलेस दिखता है। एनवाई बे का कंसीलर लेना चाहते हो जरूर 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 लो, आपको कलर करेक्टर्स भी इसके अंदर मिल जाएंगे। मुझे ये पर्सनली बहुत पसंद आए। फिर गाइज ये जो मैं हमेशा ही अपनी वीडियोज में यूज करती हूँ, ये देख लो आप लोग, ये वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस वाला। मेरा शेड क्या है? मेरा शेड है ओके, बाय द वे अगर आप कंसीलर्स में जानना चाहते हो मेरा शेड कौन सा, मेरा शेड लाइक यार 1-2 के बीच में घूमता रहता है, ठीक है? 1 या 2 लगा लो। फाउंडेशन शेड अगर मेरा 2 होगा तो 1 हो जाएगा मेरा कंसीलर शेड। इसमें आई गेस ये शेड नंबर 1 है मेरा, ये कैमरा फोकस, यस शेड नंबर 1 है मेरा एनवाई बे में। ओके अब ये मेरे पास कुछ कंसीलर्स हैं जो मैं आपको दिखा दूं सबसे फटाफट। ये वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर है, ये है फोटो फोकस कंसीलर, बहुत अच्छा वाला कंसीलर है। थोड़ा सा प्राइसी है, इतना पैसा खर्च करना चाहते हो तो कर लो, नहीं तो एनवाई बे के मतलब मस्त है। लाइट मीडियम बेज मेरा शेड है और
फिर मेरे पास है ये मेबलिन फिटमे का ये कंसीलर और ये मेरा सबसे पहला कंसीलर है। इसकी आप हालत देख के आपको समझ आ ही जाएगी, ठीक है। और मेरा शेड है 20 सैंड सेबल, वन ऑफ द बेस्ट कंसीलर है। इसको मैंने अपने फाउंडेशन के साथ खरीदा था। जिन्होंने फाउंडेशन वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज आप जाके जरूर देखो, ठीक है। मेरा फाउंडेशन में शेड था वार्म न्यूड, उसके साथ मैं ये वाला कंसीलर अप्लाई करती थी 20 सैंड सेबल। तो यस, ये भी बहुत अच्छा है। ये है फेसेस का कंसीलर, ये मुझे इतना खास नहीं लगा। इसकी एक तो प्राइस ज्यादा होता है एंड कोई कवरेज भी इतने कुछ है नहीं इसकी, कुछ इतने खास जितनी ये देखो ना यार, इनका इतना प्राइस नहीं होता। ये इतनी अच्छी कवरेज दे देते हैं, ये इतने प्राइसी है, लेकिन ये कितने का है यार, प्राइस दिख नहीं रहा, बट फेसेस का है तो डेफिनेटली यार प्राइसी तो होगा ही। ये इतनी ज्यादा कवरेज मतलब ठीक है, गायब हो जाते हैं, ब्लेंड करोगे तो गायब हो जाए। ये देखो डार्लिंग इसाबेला से भी कम आ रही है, देख रहे हो आप, ये उससे भी कम चला गया। तो फेसेस तो मैं आपको नहीं रिकमेंड करूंगी, ये मुझे इतना कोई खास नहीं लगा। फिर बारी आती है आई एम्स्टरडैम की। फिर मेरे पास है आई एम्स्टरडैम की, ये आई गेस इनकी फाउंडेशन स्टिक थी, मुझे इतना याद नहीं आ रहा। बाकी अगर आपका ये कंसीलर का शेड होता तो आप इसको एज अ कंसीलर यूज कर लिया करो, ठीक है। ये ऑयली स्किन वाले भी यूज कर सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा यूज करके दिखाती हूँ, ठीक है। ब्लेंड करोगे, इसकी कवरेज है, इतना ज्यादा ये डूई सा वैसा नहीं है, जैसे ये था ना थोड़ा क्रीमियर सा, क्योंकि इसके अंदर एलमंड ऑयल डाला, तो ये वैसा नहीं है। ये ऑयली स्किन वाले भी इसको यूज कर सकते हैं, इसकी मीडियम सी कवरेज आएगी तो ये भी अच्छा है। आप देख सकते हैं इधर और इधर में आपको डिफरेंस लगेगा, बीच में आपको थोड़ी सी कवरेज ज्यादा ही नजर आएगी, ठीक है। तो ये अच्छा वाला। बाय द वे आई एम्स्टरडैम में मेरा शेड है 01, देख सकते हो आप, ठीक है। फिर मेरे पास है ये मोडा के ये कवर स्टिक्स हैं, आप इनको एज अ फाउंडेशन वगैरह भी यूज कर सकते हो, मतलब एज अ कवर स्टिक्स वगैरह। कवर स्टिक्स इजी होती हैं जल्दी जल्दी मेकअप करने में, क्योंकि आपका कंट्रोल रहता है इनके ऊपर, ठीक है। और जो कॉलेज की लड़कियां होती है, ऑफिस जाना होता है, तो जल्दी जल्दी में आप ये वाला इसके साथ कर सकते हो। इसको मैंने गाइज अभी तक ना अपने फेस के ऊपर यूज नहीं किया, तो मैं अभी इसके बारे में इतना नहीं बोल सकती हूँ। एंड अगर मैं बात करूं, इसको ब्लेंड तो हो जाता है इजिली, बट अभी मैं इस प्रोडक्ट के बारे में आपको क्या बोलूं, मैंने अभी तक इसको अपने फेस पे नहीं यूज किया। एटलीस्ट बाकियों को तो मैंने अपने फेस के ऊपर यूज किया हुआ है, कवरेज बहुत इसकी शीयर टू फोकस नहीं कर रहा हाँ कवरेज इसकी बहुत ही ज्यादा शीयर है, इतनी ज्यादा इसकी कोई कवरेज नहीं है, तो ठीक ठीक प्रोडक्ट है, कोई इतना हाईफाई प्रोडक्ट भी नहीं है, ठीक है। उनसे बेटर तो यार ये मुझे NYB का कंसीलर लगा, ये मुझे कोई इतना खास नहीं लगा। फिर मेरे पास है NYB के फाउंडेशन कंसीलर कलर करेक्टर और कॉन्टोर्स, ये आपको पता ही है, ये मैंने इसके ऊपर भी डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। एंड इसको चेक करते हैं, ये एक्चुअली खराब हो गया था मेरे से पीस, ये ठीक है, ठीक है। ये मैंने यहां पे इसको क्लीन कर लिया है, तो आपको मैं थोड़ा सा दिखाती हूं, ठीक है। इसकी भी कवरेज अच्छी है, इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। ये लेना चाहते हो तो आप ये ले सकते हो, जो आपको पसंद है। इसके साथ आप अपना बेसिक वाला मेकअप भी कर सकते हो, लेकिन उसके बाद जो NYB ने ये लॉन्च किया था ना, ये कंसीलर का ज्यादा अच्छी तरह से काम करता है, ये ज्यादा ब्यूटीफुली कंसीलर को जस्टिफाई करता है। फिर मेरे पास है LA गर्ल का प्रो HD कंसीलर, ये वन ऑफ द बेस्ट कंसीलर है, ये आपको पता है, ये बहुत सारे यूट्यूबर्स इसको यूज करते हैं, इसकी तारीफ करते हैं। एंड मैंने अभी तक इसको इसलिए नहीं ना, मतलब मुझे मजा आया इसको यूज करके, एक्चुअली मैंने अपने मेकअप लुक्स में इसको ढंग से यूज भी नहीं किया एक्चुअली, क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा ऑरेंजी टोन देता है। ये क्लासिक आइवरी एक शेड है और एक दूसरा शेड है न्यूड, मुझे ऐसा फील होता है ये बहुत ज्यादा ऑरेंजी देता है, जैसे अभी दिखा रही थी मैं आपको, जैसे आप देख सकते हो ना ये व्हाइट में आता है, तो मेरी स्किन टोन का आएगी व्हाइट अच्छा लगता है। ये कंसीलर ना थोड़ा ऑरेंजी सा लगता है मुझे, देखो आप थोड़ा सा लगता है ना ऑरेंजी सा, तो इस वजह से मैंने इसको अपने मेकअप लुक्स में यूज नहीं किया, बट मैं इसको जरूर ट्राई करूंगी, ऐसे तो नहीं मैं छोड़ने वाली प्रोडक्ट को। ये कौन सा शेड है, ये है न्यूड शेड भी मुझे हल्का सा, ये देखो ये शेड लगता है मुझे, बट चलो कभी मेकअप लुक में यूज करूंगी तो आप लोग के साथ जरूर शेयर करूंगी। अदरवाइज आप अपना, अगर इसमें बहुत सारे शेड्स आते हैं, आप अपना सही शेड चूज कर सकते हो। फिर मेरे पास है ये है मेबलिन का इंस्टेंट एज रिवाइंड,
ये डार्क सर्कल्स वाला ये जो कंसीलर है ये मुझे बहुत पसंद है, बट ये क्या हो गया था ना, मुझे इसको यूज करना ही नहीं आ रहा था, मुझे इसको समझ ही नहीं आ रहा था मैं इसको कैसे यूज करूँ। देखो कितना मैस कर दिया मैंने यहाँ पे, मुझे इसको समझ ही नहीं आ रहा था मैं इसको कैसे दबाऊं क्या करूं। बाद में पता लगा इसको ऐसे रोटेट करना, मैं इसको दबा रही हूँ खींच खींच के बट ये काम नहीं कर रहा था। इसको रोटेट करोगे, जितनी बार रोटेट करोगे तो ये बाहर निकलेगा एंड द कंसीलर इज सो गुड। थोड़ा सा कंसीलर लगता है और बहुत अच्छी कवरेज देता है। ये भी आप ट्राई कर सकते हो। मेरा शेड कहाँ लिखा है यार, मेरा शेड मुझे पता नहीं लग रहा। एनीवे जो सबसे लाइटर वाला शेड होगा ना, 1 या 2 वही होगा मेरा शेड। नहीं दिख रहा यार मुझे मेरा शेड। फिर मेरे पास है ये फॉकलर का बिग कवर लिक्विड कंसीलर, ये भी काफी अच्छा लग कंसीलर है फॉकलर का। आप देखोगे मेरे पास एक एक सामान जरूर है, मतलब फुल फेस मेकअप था मेरे पास फॉकलर का, क्योंकि मैंने फुल फेस मेकअप किया था। ये भी इनका सही वाला कंसीलर है। फॉकलर के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, लुक एट द कवरेज, खुद ही देख लो आपके सामने ही है। ठीक है, इसकी कवरेज बहुत अच्छी। अगर आप सिर्फ इसी के साथ अगर आप मेकअप कर लो ना, फाउंडेशन मत लगाओ, तो भी आपका काम चल जाएगा। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट मेरे पास ये है मिस रोज की पैलेट। अभी तक इसको मैंने अपने फेस के ऊपर नहीं यूज करके देखा। ऑरेंज करेक्टर आपको मिल जाएगा। ओके, बहुत क्रीमी टेक्सचर है ये, ठीक है, एंड इजली ब्लेंड कर जाएगा ये। हैंड्स के ऊपर यूज करके देखा था प्रोडक्ट चेक करने के लिए, बट फेस के ऊपर नहीं यूज किया। देख सकते हो आप ये पैलेट को, लेना चाहते हो आप इसको जरूर ले लो, क्योंकि इससे क्या होगा आपको कलर करेक्टर्स भी इसके अंदर मिल जाएंगे। आई गेस इसमें और शेड्स होने चाहिए बट आई एम नॉट श्योर। शेड नंबर 1 है मेरा, अगर 1 शेड डाला हुआ है नंबर तो डेफिनेटली और शेड्स होंगे इसमें, तो आप जाके ट्राई कर सकते हो। और यस, ये हो गए सारा काम, यही थे आज की वीडियो। सॉरी थोड़ी सी लंबी होगी एक्सप्लेन करते करते। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फ्रेंड्स वाले सबके साथ शेयर कर देना। आई एम डन विद द बेस प्रोडक्ट्स। अब बारी आती है काजल्स की, मस्कारास की और लिक्विड आईलाइनर्स की। यस, बैक टू बैक उनकी भी वीडियो डालती हूँ मैं।